नमस्कार मैं डॉक्टर जमाल खान आज आपके सामने डेनवेक्स की सीरीज़ में फिर शामिल हूँ मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर्स को ख़िताब किया था यंगस्टर्स को जो डॉक्टर्स हैं जो एम कर रहे हैं एम कर रहे हैं वो अपनी फील्ड का चयन करना चाहते हैं कि हम किस चीज़ में आगे बढ़ें और हम किस चीज़ में ऐसा काम करें जो हमें मेडिसिन में एक नाम मिले और हमें मेडिसिन में पेशेंट्स को हमारे राहत मिले और हमारे देश का नाम रोशन हो हम भी उसी बुलंदियों पर पहुँचे हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज नाम होता है तो उसी श्रृंखला में मैं आपको एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में बात करूँगा जिनके इलाज नहीं है आपने सुना होगा 50 परसेंट हम बोलते हैं डिजीज़ में हम इलाज करते हैं 50 परसेंट डिजीजेज़ में हम कहते हैं कि सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे जो सिम्टम्स को ठीक करे डिजीज़ के बारे में हम नहीं जानते तो रिमोटाइड आर्थराइटिस की बात करेंगे रिमोटाद आर्थराइटिस जो होता है वो गठिया की बीमारी जिसको हम बोलते हैं उसमें दो प्रकार की मुख्य रूप से बीमारी होती है एक ऑस्टि होता है एक रेम्यूडार्थ आर्थराइटिस होता है आर ए और ओ ए हम जिसको बोलते हैं दोनों में यही अंतर है कि आर ए में आपने सुना होगा सिम्टम्स मॉर्निंग में होते हैं शुरू मॉर्निंग स्टिफनेस होती है ओ ए में यूजुअली इवनिंग सिम्टम्स होते हैं थकान के बाद होते हैं रेस्टिंग स्टेज के बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो आर ए के होते हैं और काम करने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो ओ ए में होते हैं और छोटी नोट्स में छोटी जॉइंट्स में ख़ासतौर से फिंगर के अगर नोट्स का डिफॉर्मिटी होती है नोट बन जाती हैं जॉइंट्स पे छोटे वाले जॉइंट्स पे फिंगर जॉइंट्स पे तो वो ओ ए की निशानी होती है रिमोटाद्राइटिस में यूजुअली बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और बायोलिट्रल होते हैं और बीच बीच में फ्लेयर्स फ्लेयर्स आते हैं अच्छा अब मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ सुनाता हूँ जो मैंने जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अजीब जुमला है देखिए मैं शुरू करता हूँ रिमेटा आर्थराइटिस आर्थराइटिस सिमेट्रिक इन्फ्लेमेटरी पेरिफ्रल पॉली आर्थराइटिस ऑफ अननोन एटियालॉजी मैं अनोन एटियालॉजी पर गौर कराना चाहता हूँ आप लोगों का साइंस में आर्थराइटिस का जो एटियालॉजी है वो कहते हैं अननोन है कमाल की बात है ना आज की तारीख में जब हम कहते हैं कोरोना का वैक्सीन बनाया हमने आर वैक्सीन बना लिए और हम आर्थराइटिस की एटियोलॉजी को अननोन बता रहे हैं दवाएं भी बता रहे हैं बाद में हम ये भी बता रहे हैं कि हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के ख़िलाफ़ क्या दवाएं हमने बनाई हैं जो हम मोनोक्रोल एंटीबॉडीज़ होती हैं या हम ऐसी दवाएं देते हैं स्टोरॉइड देते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं इम्यूनोलॉजी को सेटल डाउन करती हैं लेकिन हम इस बात को कहते हुए गुरेज करते हैं उर्दू में कहते हैं गुरेज परहेज़ करते हैं यानी हम संकोच करते हैं इस बात को कहते हुए कि इसकी इटियोलॉजी ये है क्योंकि हम इटियोलॉजी बताना यूँ नहीं चाहते कि बीमारी डॉक्टर ढूंढना नहीं शुरू कर दें तो पहले सेंटेंस को हमने रटवा दिया डॉक्टर्स को स्टूडेंट्स को कि इसकी इटियोलॉजी इसकी इस ये होता क्यों है इसके बारे में हमें नहीं पता और उसके बाद पचासों पेजेस आपको आर्थराइटिस पे मिल जाएंगे पूरी पूरी बुक्स मिल जाएंगी जो डायग्नोसिस कैसे करते हैं बताएंगी और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बताएंगी लेकिन डिजीज़ की इटिलॉजी को हम उन कहते हैं बिकॉज वो इम्यूनोलॉजी का डिसऑर्डर है क्यों है इम्यूनोलॉजी का डिसऑर्डर आप समझ सकते हैं जब इम्यूनोलॉजी किसी शरीर के हिस्से को अपना भाग नहीं माने अंग नहीं माने उस अंग को गैर समझने लगे तो उसके खिलाफ वो शुरू हो जाती है और उस को खाना शुरू कर देती है उस ज्वाइन पे एड करने लगती है बोन के अंदर भी एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है बोन क्या करती है कि वो कहती है कि मुझे मत खाओ तो वो भी अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है साथ साथ तो उसकी ग्रोथ नज़र आने लगती है स्पाइक्स के पैटर्न में जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है वो दोनों तरह से जब ये रिएक्शन होते हैं तो सूजन होने लगती है उस जॉइंट पे हॉटनेस हो जाती है तो ये कहना कि ये इम्यून रिस्पॉन्स है हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिस्पॉन्स है इस एक जुमले को लिखने के लिए उन्होंने नहीं लिखा चूंकि हम स्पेसिफिक मेडिसिन अगर इम्यून सिस्टम की बनाएंगे तो है नहीं कोई सिम्टम्स को ठीक करने की दवाएं हमारे पास हैं इम्यून मॉड्यूलेशन जो जमाने से रिसर्च हो रही है कि इम्यून मॉड्यूलेटर्स सेल्फ कस्टमाइज थेरेपीज क्या होंगी टेलर मेड थेरेपीज क्या होंगी उनमें काम करने ही नहीं देता कोई उनमें काम करने की बात ही नहीं करता कोई लिहाजा क्या होता है कि हम दवा देते रहते हैं मरीज को अब रिमोटाइड आर्थराइटिस की कंटिन्यूटी में कहते हैं कि साहब दो चीज़ों से पता चलेगा आर फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए पता है आपको और एक सट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ एंटी, एंटी सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ ए तो आर है फे, रिमोटाइड फैक्टर है कि रिमोटाइड फैक्टर होना चाहिए पॉजिटिव और ए ये दो टेस्ट हैं ये पॉजिटिव हों तो हम श्रृंखला में रखते हैं कि रिमोटाद आर्थराइटिस है ये भी पता चल गया अब ये एंटीबॉडीज़ की जब आप बात कर रहे हैं और रोमोटाइड आर्थराइटिस रोमोटाइड फैक्टर की बात कर रहे हैं ये भी इम्यून रिस्पॉन्स से जनरेट होते हैं जब हम कहते हैं कि इनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि डायरेक्टली आप कहें कि हम इम्यून डिजीज को डिजीज को डील कर रहे हैं ये इम्यून डिजीज है इस इम्यून डिजीज का ट्रीटमेंट डॉक्टरों तुम ढूंढो डॉक्टर्स तुम्हारे पास ये सलाहियत है कि तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो तुम लेबोरेटरी मेडिसिन सीखे हो और तुम उस लेबोरेटरी की मदद से ऐसे इलाज को बनाओ जो पेशेंट का स्पेसिफिक इलाज हो जैसे हम करते हैं पेशेंट का ब्लड लो उसको मॉडिफाई करो उसके अंदर टी रेगुलेटरी सेल्स बना दो या टी रेगुलेटरी सेल्स के प्रिकर्सर्स बना दो जो हम कहते हैं आई एम डी सी सेल्स स्पेसिफिक उस काम को करें और वो जाके वहाँ पर ऐड करें और टी रेगुलेटरी सेल्स बन जाएँ और टी रेगुलटरी से इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं होने दें इस चार जुमलों को किताब में लिखने की जगह हम दवाएं लिखना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितना बिजनेस ओरिएंटेड मेडिसिन है हम डॉक्टर्स जो हैं एक हद तक हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मोहताज हैं हम गुलाम हैं उसके कि हम सिर्फ दवा लिखते हैं उसकी हमें यह नॉलेज पता है कि हम क्या नॉलेज है लेकिन हम उसमें छानबीन ही नहीं करते जिसे मैंने पहले भी लास्ट में कहा था कि आप एम देते हैं एम देते हैं एम देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पी बहुत कम देते हैं पी में डॉक्टर्स जाते ही नहीं है पी डिपार्टमेंट ही नहीं है डिपार्टमेंट में पी कोई करता भी है तो वो रिसर्चर कहलाता है खाली पब्लिकेशन करेगा एज अ डॉक्टर महारत हासिल नहीं करेगा उसे एज अ डॉक्टर महारत हासिल करना चाहिए उसको अपनी नॉलेज आपका कितना नॉलेज डोमेन में है आपके आप उस नॉलेज को यूज़ कीजिए आपके पास पावर टू ट्रीट है पावर टू ट्रीट बाई योर ओन सेंसेस डिग्री आपको जो दी जाती है दवा लिखने की नहीं दी जाती है जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शुरू किया वो भी दवा नहीं है वक्त का तकाजा था बच्चे पैदा होना थे फैमिलीज़ को बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कहा स्पर्म को ले जाके वहीं छोड़ दो हो सकता है बच्चा हो जाए एक स्पर्म नहीं छोड़ो कोई डोनर ले लो उसका छोड़ दो बच्चा हो जाए इसमें महाराज डॉक्टर्स ने हासिल किया ना बाल्डनेस है गंजे हो गए सर बाल लगाना शुरू कर दिए हमने वो भी तो डॉक्टरी है सर्जरी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रोक नहीं पाई सर्जरी जहां हुई ऐसी कस्टमाइज मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रोकना नहीं चाहिए वो रोकेगी भी नहीं उसके पास पावर भी नहीं है रोकने की आप आगे आएंगे तब काम आगे होगा आप सीखें सलाह लें काम करें लेबोरेटरीज़ बनाएं उनमें रिसर्च करें एक्सपेरिमेंट्स करें मरीजों को प्रमोट करें कि वो स्टेप लें आगे और ये ट्रीटमेंट लें कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स की मैंने पिछली बार वीडियो में बताया है ये अच्छाई है कि अगर वो ख़राब होते हैं तो शरीर को जाकर ख़राब नहीं करते हैं मान लीजिए आपने कोई गलत चीज़ कर दी लेकिन रेक्टिफिकेशन की क्रिया शरीर खुद कर देता है क्योंकि वो शरीर का भाग आपने बाहर ले जाके एक्स वेवो टेक्नोलॉजी से काम किया एक्स टेक्नोलॉजी शरीर का बाहर गए आपने उस सेल्स को मॉडिफाई किया वापस डाल दिया ये स्टेम सेल थेरेपी से विपरीत है ये स्टेम सेल थेरेपी मैं नहीं बात करता मैं सिर्फ इम्यून थेरेपीज़ की बात करता हूँ इम्यून थेरेपीज़ में हम कस्टमाइज थेरेपीज़ शरीर के रक्त से डेवलप करने वाली थेरेपीज़ को कहते हैं तो ये भी इस बात का क्लैरिटी देता है कि ये डिज़ीज़ जो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है तो इसकी एटियोलॉजी को किताब वाले लिखना बंद करें कि इसकी एटियोलॉजी अननोन है जब हम एच के वायरस को पूरा डायग्नोस कर चुके हम डेंगू के वायरस को डायग्नोस कर चुके मलेरिया की साइकिल हमने पचासों साल पहले पता कर ली थी कि मच्छर में होती है और इंसान में होती है तो हम इस बात को क्यों नहीं कहते कि ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी से होता है आपको आगे आना चाहिए आप देते जो हैं दवाई क्लोरोक्विन की गोली हम देते हैं आर्थराइटिस में क्रॉनिक स्टेजेस में हम कहते हैं कि हम इम्यून मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स दे रहे हैं हम मिथोट्रिक्सेट देते हैं इम्यून मॉड्यटिंग एजेंट है नॉन बायोलॉजिकल है रिसोर्स तो जिस जो कीमोथेरेपी की कैटेगरी में आता है जो इम्यून शटडाउन करता है तो हम दवाएँ तो इम्यून शटडाउन की दे रहे हैं लेकिन हम इटियोलॉजी को मना कर रहे हैं मैं फिर वही बात कहूँगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब था जब अमेरिका के बारे में पता भी नहीं था यूरोप के बारे में पता भी नहीं था आपने तो प्री हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पढ़ा है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा है आपने हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए किताबें भी हमारी मेडिकल की हिंदी लैंग्वेज में भी होना चाहिए चाहे अंग्रेजी में उसको ब्रैकेटेड लिख दिया जाए बीच बीच में क्योंकि हमारे लड़के बहुत बुद्धिजीवी हैं और जो डॉक्टर बन गया यहाँ के कंपटीशन दे के लाखों में आया सिलेक्शन होके फिर उसने डॉक्टरी का डिग्री हासिल करी वो तो लाजवाब लड़का है वो तो लाजवाब स्टूडेंट है लड़की है उसको इस काम में आगे बढ़ना चाहिए इसी बात के साथ कि हमारा देश तरक्की करे रोशनी आए नई रोशनी में हम जिंदगी गुजारें और यही तरीका है रोशनी का यही जिंदगी गुजारने का तरीका होना चाहिए हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं और नॉलेज को एक जुमला बोलते थे एक मेरे टीचर बेटा इतना पढ़ कि किताबें तुझसे प्यार करने लगे वो आप हासिल कीजिए वक्त कि आपको किताबें आपसे प्यार करें जय हिंद नमस्कार